मकान किराए पर लिया, जिसमें दो महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए, और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया, और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी PAC की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। देखिए, ये जो अभी 29 तारीख को फिरौती के कॉल आने के बाद 13 तारीख को ये ऑपरेशन उस समय के SHO के द्वारा जब किया गया था, जो बैग जो ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभियुक्त पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिनाई किया गया, जो कि अपराधी आपके सामने। तो क्या कोई पुलिस की थी, जैसे बहन उसकी आरोप लगा रही है कि रंजीत राय तो जो थे SP को हमने बताया, उनके वो मौजूद थे, उनके कहने पे हमने पैसे दिए, तो क्या इसमें पुलिस की साजिश थी? पैसा रखने पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया पैसा? तो गया है, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया वो? देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपये वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं किया। तो सर, परिजन कह रहे हैं, पुलिस किसके मुलजिम के बयान पे चलेगी, परिजन के बयानों पे? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या कह रहे हैं आप, केसो हम मौके पे, उनका कहना है उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो ये सोच कुछ नहीं बता रहे क्या, पैसा तो नहीं? SHO वही SHO, पूर्व SHO जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है, उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। सर, कप्तान साहब ने बताइए कि बैंक का कहना था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर या दरोगा आते हैं और जो कहते हैं कि उसके कहने से बयान बदला जाता है 30 लाख वाली, मैनिपुलेशन किस बात का था? देखिए, कोई मैनिपुलेट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया है। उस समय भी मैंने उस समय एक बाइट भी जारी किया, लड़के के हमारे प्राथमिकता लड़के की सकुशल बरामदगी थी। तब तक हमें ये नहीं पता था इनके दोस्तों ने ही किया है और उस समय वो उनको मार दिया गया है, तो हम लोगों की प्राथमिकता वही था। हम लोग जो परिवार कह रहे थे उसे एक्सेप्ट करके जा रहे थे, कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब वो नहीं था, ये नहीं था, कंफ्यूज करने की बात की थी, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। बाकी जब परिवार ने कह दिया तो मुसीबत में जा रही थी।
एसएचओ की ही भूमिका की उनकी लापरवाही थी, बाकी अधिकारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं उनका जीओ और एसपी साउथ थी, तो उनके ऊपर क्या आरोप है लापरवाही बरतने के, क्या कोई कार्रवाई कोई जांच उनकी होगी आगे? देखिए जो भी परिवार वालों का आरोप है सबने हम जांच करेंगे। सीईओ के जो उसका जो पर्यवेक्षण की संतुष्टिपूर्ण न होने की वजह से ही उनको वहाँ से हटाया गया है और नया डिप्टी एसपी को भी वहाँ पोस्ट किया गया है और नया एसएचओ को वहाँ पोस्ट किया गया है। उसी टीम ने 5 दिन के अंदर ये घटना वर्कआउट की। मुख्य बात 30 लाख रुपए का क्या होगा सर, क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि पुलिस जिसका अकाउंट होती है पुलिस उसी से सेटिंग करके तो पैसा दिलवा देती है और पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद रहती है, तो इसकी क्या गारंटी, कैसे पता चलेगा कौन सा रैकेट है जो 30 लाख रुपए लेके? देखिए ये अभी तक जो दोनों बयान आए हैं अब इसमें हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है उन्होंने पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिला है। देखिए अभी कुल मिला के सुनिए, पैसे के बारे में जो कन्फ्यूजन है अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस वाले पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जाँच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद होगा। और फिर हमारा एक साथी राम जी वो जब बैग फेंका गया तो बैग उठा ले गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे तो राम जी वहाँ से भगते हुए आए वापसी 5 मिनट बाद, तो वहाँ पे जांच लग रही है पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं हो गया, बैग वहाँ छोड़ दिया था। राम जी आप इतना बताइए, आप लोग पहले से उसे जानते थे? हाँ यार राम जी और कुलदीप उससे बोलते हैं। अच्छा कुलदीप आ जाओ, आप आ जाओ, बस एक सवाल, एक चीज पूछनी है आपसे, आप लोग उसको आप उसके उसको लेके गए थे आप? नहीं पहले से पूरी घटना बता दो है। जो कुलदीप और ये राम जी ये दोनों ही पैथोलॉजी में काम करते थे और पहले से जानते हैं, बताने दीजिए उसमें। आप पूरी घटना बताओ, पूरी घटना बताओ, कुलदीप बताओ, फिर बताओ, फिर बोलो। हम चारों लोग बोलो भाई, चारों लोगों ने प्लान नाम बता दो, कौन कौन लोग चारों लोग? ज्ञानेन्द्र, नीलू, दीप, राम भाई और बहादुर। क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे, तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं, फिर इन्होंने कहा कि सर ठीक है तुम उसको फोन करो, संजीव के बारे में जो बायोडाटा उन्होंने ली, इन्होंने ली, उन्होंने पूछा सबके बारे में पूछा, मेरे हिमांशु के बारे में पूछा, प्रिंस के बारे में पूछा, पूछा। अच्छा इस महिला का क्या रोल था सर? इस महिला का ये रोल था कि जब हम लोग संजीव को ले गए थे रूम पे जहाँ कमरे किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा में ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। अच्छा एक ही फोन से तुम लोग फिरौती मांग रहे थे एक ही नंबर से ना? जी सर। तो क्या पुलिस ने कभी उस पर फोन कॉल की थी तुमको पता करने के लिए? कभी पुलिस की कॉल आई थी किसी तरह से? फोन ऑफ रहता फोन ऑफ रहता
कॉल वॉइस चेंजर ये टेक्निक कैसे किसने सीखी थी? फोन में ही थी। अच्छा आवाज तुम्हारी थी ना, तुम्हारी आवाज बना था। कौन सा बोल रहा था? नीलू गाली घूम बकता रहा जो। देखो सुनो मेरी बात, सुनो सच बताइए, कम शब्दों में आप बता दो। आपकी झूठ सुनने के लिए सच बोलिए जो बोलना। आपने आपने उसके साथ मार पिटाई की अपने दोस्त के साथ शराब पिला के? मार पिटाई नहीं की, शराब पिलाई। हाँ शराब पिलाई। तो मारा क्या? नशे मिला के मारा उसको? नशा करके नहीं मारा। जब इसको जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया, जहाँ रूम रही रहे थे okay. गेट के पास तक पहुंच गया, ये गणेंद्र वहाँ से लेके आया कमरे, फिर कमरे बंद किया उसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, उसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर उसने हाथ काट लिया, दोनों करके चाकू में हाथ काट लिया और उन्होंने सर पटक दिया करके, सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था। फिर गणेंद्र ने फिर पट्टी बांध दी। अच्छा ये बता, तुम्हारा तुम्हें मालूम था उसके पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कमीशन घर की बात मालूम थी कि पैसा है नहीं उसके घर में? सर ये जो हमको बताता, संजीत ने जो हमको बताया था, हाँ। बता रहा था मेरे पास दो दो ट्रक है, मेरे पास और दो कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा, फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की जरूरत नहीं रही थी। अच्छा तुम पैसे के लाने सुना देंगे उसके पैसा बहुत, इसलिए उसको मारा। मारा जी सर। प्लान बनाया हम लोग, चारों लोगों ने प्लान बनाया। जहाँ जब आए फिर इन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई प्लान बनाए वो आपको लेके छोड़ देंगे। तो हमने कहा, इन्होंने पूछा कोई लड़का हो तो बताओ, तो वहाँ हॉस्पिटल कोई लड़का हो? तो इन्होंने कहा जल्दी के बारे में कोई बायोडा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो ऐसा करो उसको बुलाओ, चलो गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी में गए हम लोग, गाड़ी में गए, फिर उसको वहाँ से बुलाया फोन करके धनंजय हॉस्पिटल थोड़ा आगे चौराहे के पास, नहर के पास, वहाँ बुलाया। वहाँ बुला कर फिर उसको फ़ोन किया, वो आया, उसने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में बैठा। फिर उसने दारू से दारू लिया हम लोगों ने और दारू की, फिर कातर में तरफ गया। फिर उन्होंने वहाँ पे किस दारू में क्या मिला सर बता रहे हैं? बोलो ना, तो तब तक तो वहाँ पहुँच गया। बुरी बात बताओ, बता दें चित लिया और वो लिया अंडे लिए, फिर वहाँ पे थोड़ा पेड़ के पास आके एक दो पैक बनाए, फिर पिया, फिर चलती गाड़ी में इन्होंने फिर पैक बनाया, उसमें दवा मिला दी, बेहोश हो गया। फिर अच्छा बेहोश हो गया, फिर सीधे रूम पे ले गए, बेहोश उसको बेहोश में ले गए। फिर क्या मांगे? फिर रूम पे ले गए तो फिर कमरे में बंद कर दिया था। रूम कहाँ पे था? रतनलाल नगर में। बोल दें तो भैया, रतनलाल नगर में था। हाँ बोलिए बताओ। चलिए हो गया, मेरे काफी क्लियर ही है। पुलिस का विनाश कर रही है, पुलिस का डर नहीं था क्या? पुलिस चेक नहीं कर रही है, पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं? वो व्यक्ति कौन, जिसने तुम्हें बुरी एक आइडिया दिया था किस तरीके पूरी घटना करो? पूरी घटना नहीं बताने की, एक और आदमी से नहीं बता पाएंगे। अरे नाम बताओ क्या है? ज्ञानेंद्र यादव। ज्ञानेंद्र यादव तुम आ गया हो? ज्ञानेंद्र यादव मास्टर माइंड का। अपना नाम बताओ पहले जोर से, नाम बताइए अपना। अच्छा ये बताओ, वॉइस चेंजर ऐप का आप लोग को जानकारी थी, इतने टेक्निकल थे आप लोग, आधे आधे घंटे तक बात, कभी ये नहीं डर लगा कि पुलिस सरलाम पे लगाई है मोबाइल ट्रैक कर लेगी? इस तरह नहीं था, या इतनी अकल नहीं थी? चलिए थैंक यू, आप लोग कर लीजिए। आओ लड़की, अरे रुक जा यार,
हो गया भैया, हो गया।